हेलो एवरीवन, माइसेल्फ राजीव और आज हम रग्बी सेवेंस के डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, कैसे क्या कर रहे हैं हम लोग और क्या सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो आप देख सकते हैं हम अभी ड्रेसिंग रूम में हैं और ड्रेसिंग रूम में हम अपने सारे टीममेट्स को टेपिंग और यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और कुछ ही देर में हम अपने ग्राउंड में जाएंगे और पता चलेगा कि हमारा पहला मैच किसके साथ है। तो अभी तक वही स्ट्रैटेजीज चल रही है कि हम लोग मैच में क्या करने वाले हैं, अच्छे से सब हाइड्रेट हो रहे हैं। सो लेट्स सी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट हो रहा है आज रग्बी का। कोरोना के बाद बहुत दिन के बाद कैप के बाद हम लोग का मैच खेलने आ रहे हैं। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है, पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे साथ साथ आज बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी टीम आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हेलो, माय सेल्फ शानवाज अहमद। बहुत वेदर सही है, आज का मैच स्टार्ट होने वाला है, वेदर बहुत सही है। होप हम लोग फाइनल जाएंगे और फाइनल जीतेंगे। देखो तू, आज स्टेट सीनियर स्टेट रग्बी चैंपियनशिप आमर किस प्रांगण में अनुष्ठित होगा जाऊँगी। एटी आमर सारा ओडिशार डिस्ट्रिक्ट समस्त आसी भाग नौ, तेणुक सब प्लेयर्स मानक आम शुभेच्छा दौचु से भल करेंगे आउ भल खेल एवं आम जो स्टेट टीम सिलेक्शन हम से नेशनल जमी भल रिजल्ट कर। मो ढेकाना लिस्ट आसी अच्छी, मो ना आशीष पंडा। आम हबी बहुत बढ़िया से प्रिपेयर करूँ, तो आशा अच्छी भलसे खेल की जीव। बालेश्वर कैप कैप्टन प्रशांत मल्लिक और प्रैक्टिस तो बहुत अच्छा हमारा हुआ है टीम का, देखते हैं गेम में क्या होता है। थैंक यू। हाय, मयूरभंज रु आसी मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट मना रत्नाकर हेम्रम। प्रिपेरेसन भल चलता, बहुत स्ट्रगल पिला बहुत ब्लक रु आसिक प्राक्ट कर पिला सिलेक्शन करके आम सब आ मैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रग्बी प्लेयर कैप्टन अच्छे देन आम भल प्राक्ट करके आसीचु जाजपुर पिला मैंने चेष्टा कर मेडल मार कंधमाल टीम। कंधमाल टीम कैप्टेन अच्छे आमर प्रथम थर पार्टिसिपेट कर नाम होनी आई मोर ओडे मैंने आम पिला सब न्यूरे खेल आम ओडा टीम। थैंक यू। टीम कैप्टन आज जो ऑल ओडिशा रग्बी टूर्नामेंट हो भल प्रिपेयर आम बहुत भल से प्रिपेयर हो टूर्नामेंट को खेल ना नागार्जुन भाई जगत सिंह टीम आर्घ किसी दिन आम प्राक्ट कर मैच पर जेहेतु आम पा टीमटा नुआ टीमटा कि भल परफॉर्मेंस आम समस्त देव बोली आशा कर। नयागढ़ आसचु नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट चंदन कुमार स्वाई कैप्टेन आमर खेला खेली तो ठीक ठीक चलता सब प्राक्ट भी सब कर सक्सेस खेल। अब सारी टीम ओपनिंग सेरेमनी के लिए लाइंड अप है और यहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमारा किसके साथ मैच होने वाला है। सो बहुत दिनों बाद हम लोग मैच खेल रहे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट प्लेयर्स के साथ। सो अच्छा माहौल है, सब एक्साइटेड है, वेदर भी बहुत ही अच्छा है। सो लेट्स सी। अभी फर्स्ट मैच भुवनेश्वर वर्सेस जाजपुर का ही है और नए प्लेयर्स भी हैं कुछ हमारे साथ, एक्साइटेड हैं रग्बी ग्राउंड में आके देख रहे हैं किस तरीके से रग्बी खेला जाता है और नए प्लेयर्स के साथ मिल रहे हैं। वेलकम टू स्टेट चैम्पियनशिप एंड आज हम लोग अपना एक डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेलने वाले हैं। सो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से टूर्नामेंट्स खेलते हैं, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे सारे प्लेयर्स रेडी हो रहे हैं खेलने के लिए। सो फर्स्ट मैच हमारा जाजपुर के साथ है, लेट्स सी क्या होता है। आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर वार्म अप कर रहे हैं अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से सो दैट हम परफॉर्म अच्छा कर सकें। सो या टेम्परेचर अभी बहुत बढ़ रहा है तो
तो वार्म अप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कल हमने प्रैक्टिस उतनी नहीं की थी। अभी हम लोग टैकलिंग सेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैच से पहले थोड़ा बहुत आपके शोल्डर को वार्म अप करना इम्पॉर्टेंट होता है, आपको टैकलिंग एबिलिटी चेक करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो टैकलिंग थोड़े से हम लोग करके देख रहे हैं, ताकि मैच के टाइम पे वो इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। उसके साथ साथ हम लोग बॉल हैंडलिंग सेशंस भी कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर एरर्स ना रहे, कोई भी मिस्टेक्स ना रहे। सो और टीम में कॉम्बिनेशन और जो भी मूव करना चाहते हैं हम लोग, वो मूव अच्छे से हो। टीम मीटिंग में हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग नेक्स्ट मैच, अपना पहला मैच खेलने वाले हैं जो कि जाजपुर के साथ है। तो इस मैच में मैं सबके इंडिविजुअल्स के रोल्स बता रहा हूँ कि आपका कौन से पोजीशन में क्या रोल होना चाहिए और किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है अपने मैच में। सारी टीम वार्म्ड है और लाइंड अप है अपना पहला मैच खेलने के लिए, और वेरी एक्साइटेड टू प्ले फर्स्ट मैच। लाइंड अप है और हम फील्ड के अंदर जा रहे हैं अभी। दो हमारी टीम में थोड़े बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं, बट नए प्लेयर्स भी हमने उनको मौका दिया है टीम में, ताकि उनका जो फेयर है रग्बी के लिए वो जाए थोड़ा। ये हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट होने वाला है और हम किक ऑफ कर रहे हैं। फर्स्ट मैच जैसे कि मैंने बताया जाजपुर के साथ है, और हमने किक ऑफ किया और बहुत ही अच्छा रिसीव किया जाजपुर ने, बट सुशांत ने बढ़िया इंटरसेप्ट करके राजीव को पास किया एंड राजीव ने अच्छा स्कोर किया। ये बढ़िया स्कोर हुआ हमारा। इट इज़ रियली अ गुड कम्युनिकेशन इन बिटवीन प्लेयर्स, बट जाजपुर ने भी बहुत ही अच्छा कमबैक किया, और जाजपुर की तरफ से बढ़िया स्कोर। सो स्कोर 5-5 हो गया है, बट अगेन भुवनेश्वर हैज एक्सपीरियंस। विक्रांत के पास, विक्रांत ने बढ़िया ऑफलोड दिया बॉल राजीव के पास, और राजीव ने बढ़िया फिनिश किया, गुड फिनिश। और इसी के साथ हम लीड कर रहे हैं। हाफ टाइम हुआ है, हाफ टाइम में हम बात कर रहे हैं कि क्या सारी चीज़ें हमें चेंज करनी है, ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप हाफ टाइम में अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें, क्योंकि गर्मी का मौसम है और हाइड्रेट करना इम्पॉर्टेंट भी है। सो इस बीच में हम लोग थोड़े बस चेंजेस भी कर रहे हैं, यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं खेलने के लिए। सो या अब देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा रहता है और क्या सारे चीज़ें चेंज करते हैं। सेकेंड हाफ बढ़िया स्टार्ट हुआ और बीबू के पास बॉल लेते ही बीबू ने पहला स्कोर बहुत ही अच्छे से किया। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रम है, 3-3 प्लेयर्स और बढ़िया टैप जाजपुर के प्लेयर के पास बॉल, बट इट्स अ नॉक ऑन। नॉक ऑन को बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी के साथ पहला मैच भुवनेश्वर ने 25-5 से जीत लिया है। जाजपुर ने बढ़िया कमबैक किया था, बट स्टिल विद एक्सपीरियंस भुवनेश्वर की टीम थोड़ी बहुत हावी रही उन पर, बट नेवर माइंड, वेल प्लेड जाजपुर, बहुत ही अच्छा खेला आपने। नेक्स्ट मैच हमारा बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के साथ था, अगेन विद एक्सपीरियंस। मिलू के हाथ में बॉल है और मिलू बढ़िया नेशनल मैच खेल चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया प्रदर्शन भी कर चुके हैं। मैं बाहर खेले। ये शहनवाज के हाथ में बॉल, और शहनवाज इस समय स्क्रम ऑफ खेल रहे हैं भुवनेश्वर टीम में, बढ़िया अटैक खेल रहा है। और इसके साथ नॉक ऑन हुआ और स्क्रम डाउन होने के लिए टीम एक जगह पहुंची है। विश्वजीत इस समय टीम के स्क्रम ऑफ खेल रहे हैं, और विश्वजीत के हाथ में बॉल है। विश्वजीत ने बॉल
स्क्रम में डाला और भुवनेश्वर स्क्रम जीता है। और इसी के साथ से अहनवाज के हाथ में बॉल से अहनवाज ने बढ़िया फेंक डालते हुए बॉल पास किया बीबू को। हाफ टाइम हो गया है और हाफ टाइम का स्कोर 20-0 है। अब बढ़िया प्रदर्शन करते हुए भुवनेश्वर की टीम और हाफ टाइम बचा हुआ है। गुड किक, किक के साथ प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं हम लोग बालेश्वर के ऊपर। बट बालेश्वर की टीम भी शांत रहने वाली नहीं है। बढ़िया प्रदर्शन बालेश्वर की टीम के द्वारा भी, बट यहाँ पर विक्रांत ने बालेश्वर की टीम के प्लेयर को होल्ड कर दिया है। पेनल्टी मिली है भुवनेश्वर को और यहाँ पर स्क्रम डाउन। सहनवाज के हाथ में बॉल है और वो स्क्रम खेल रहे हैं इस मैच में। बढ़िया पास और बढ़िया फिनिश बिबू ने किया। गुड स्कोर और फाइनल स्कोर है 30-0। बालेश्वर ने बढ़िया फाइट किया, नए प्लेयर्स थे फिर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया बालेश्वर की टीम ने। होपफुली अपकमिंग टूर्नामेंट्स में वो और भी अच्छा परफॉर्म करें। रग्बी में ये चीज़ सबसे बढ़िया होती है कि मैच हारने के बाद भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सराहते हैं। नेक्स्ट मैच हमने क्वार्टर फाइनल कंधमाल के टीम के साथ खेला था और वो मैच हम जीत चुके हैं। हम लोग अभी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं हमारे सेमीफाइनल्स के लिए और हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें सेमीफाइनल्स खेलना है। तो सेमीफाइनल हम लोग केंजर डिस्ट्रिक्ट के साथ खेल रहे हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है पहले टफ कंपटीशन दे चुकी है भुवनेश्वर टीम को। मिलू ने अच्छा बॉल लिया बट अगेन जैसे कि मैंने बताया केंजर की टीम में बहुत ही अच्छे प्लेस है। प्रदर्शन दोनों ही टीम का बहुत ही अच्छा है और फाइनल स्कोर 35-0 हुआ है। और फाइनल मैच रे कौन कहियो के चाहु जते अपन हमें जीत छु कप नी के जीवो अपन वी आर द विनर हम लोग किछ कह हमें सल्ला बोल देखा दे प्रति वर्ष तो के से कप उठ हमर मन लेक जा बाकी अछि कप अपन इस साल कप ना सारा पा हमर आउ किछ कहियो अपन को टीम भुवनेश्वर। फाइनल मैच है हमारा किस के साथ, बहुत ही अच्छी टीम, स्ट्रॉन्ग टीम है, लीग में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि उनके साथ कैसे करना है और इन्जॉय करना है हमें फाइनल को। और सबके पोजीशनिंग बता रहे हैं क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए हमें, किस तरीके से खेलना है। और यहाँ पर फाइनल मैच से पहले चीफ गेस्ट हम मिस्टर शक्ति उपेंद्र कुमार महंती एंड मिस्टर मानस कुमार जैना थे हमारे साथ। ये किस टीम के साथ हम लोग हैं, वी फिनिश सेकेंड इन द टूर्नामेंट, वी लॉस फ्रॉम किस और किस फर्स्ट थे, भुवनेश्वर सेकेंड एंड जगत सिंहपुर थर्ड। सब ने अच्छा प्रदर्शन किया एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर द ऑर्गेनाइजिंग सच अ लवली टूर्नामेंट उड़ीसा रग्बी। एंड स्पेशल थैंक टू मिस्टर उपेंद्र कुमार महंती, मानस कुमार जैना, धीरेन्द्र कुमार राउत, सबने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छा टूर्नामेंट कंडक्ट किया।